श्रीसंत की सलाह मान लो, संजू सैमसन और ऋषभ पंत की तरह खेलो, ऐसा कहना है श्रीसंत का। श्रीसंत ने यहाँ पर आरोप लगाया संजू सैमसन के ऊपर कि संजू सैमसन गेम को सीरियसली नहीं लेते, संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट है और अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम नहीं करते, अपनी विकेट जिस तरीके से विकेट बिहेव कर रहा है उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं करते। तो एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर भाई श्रीसंत ने खुलासा किया कि कैसे संजू सैमसन को हम बार बार सलाह देते हैं, जिससे संजू सैमसन को श्रीसंत ने खुद सलाह दी है, उसके अलावा रवि शास्त्री ने सलाह दी है, सुनील गावस्कर ने सलाह दी है, तो तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने संजू सैमसन को सलाह दिया कि आप विकेट के हिसाब से बल्लेबाजी करो, आप ऋषभ पंत को एग्जाम्पल सेट करो कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 13 शतक जड़े हैं, उसके अलावा आपको याद होगा ऋषभ पंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, IPL के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर ऋषभ पंत ने अपना लोहा मनवाया है, ओवरसीज जाके सेंचुरीज बनाई है उनकी, इंग्लैंड के अंदर सेंचुरी, साउथ अफ्रीका के अंदर सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंचुरी है, तो हर एक बड़े मौके पर ऋषभ पंत की सेंचुरी है, ऐसा कहना है श्रीसंत का। उन्होंने बोला कि आप संजू सैमसन आप ऋषभ पंत से कुछ सीखिए, ऐसी सलाह दिया यहाँ पर श्रीसंत ने संजू सैमसन की। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि यहाँ पर जो संजू सैमसन है, ऐसा बोला जाता है कि संजू सैमसन को इनफ चांसेस नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, संजू सैमसन को इनफ चांसेस दिए जाते हैं, चाहे आप वो कंसिस्टेंटली के ऊपर अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम नहीं करते, वो इनकंसिस्टेंट है, एक मैच में रन बनाते, दो में नहीं बना पाते, फिर एक में बनाते, फिर तीन में नहीं बना पाते, ऐसा उनका आरोप लगाया संजू सैमसन के ऊपर। लेकिन एक चीज़ सच है कि जितने चांसेस आप सूर्य कुमार यादव को देते हैं, जितने चांसेस आप KL राहुल को देते हैं, उतने चांसेस आप संजू सैमसन को नहीं दे पाते। तो ऐसे कौन सा ऐसा रीज़न है जो संजू सैमसन को आप इनफ चांसेस नहीं दे पाते? उसके अलावा उन्होंने बोला है कि संजू सैमसन लंबे समय से IPL खेल रहे हैं, लंबे समय से कप्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके खेल के अंदर ऐसा कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है, जितने पहले इनकंसिस्टेंट थे वो आज भी उतने ही इनकंसिस्टेंट है। आइए सुनते हैं क्या कहा है श्रीसंत। तो श्रीसंत ने यहाँ पर संजू सैमसन के ऊपर थोड़े से आरोप लगाते हुए कहा कि मलयाली समुदाय के बीच यह धारणा है कि सैमसन को पर्याप्त मौके नहीं मिल पाए। श्रीसंत ने कहा, मैं इससे असहमत हूँ। उन्होंने कहा, हम मलयाली हैं जो उनका समर्थन करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ उनको लगातार मौके मिले, पिछले 10 साल से IPL खेल रहे हैं, अब कप्तान हैं और उनके नाम 3 शतक है, लेकिन उन्होंने निरंतरता नहीं दिखाई है। ऋषभ पंत को देखिए, उन्होंने अपने राज्य टीम के लिए लगभग 300 का स्कोर बनाया है। तो भाई आपने सुना पूरी बात कि क्या बोला है श्रीसंत ने कि ऋषभ पंत को देखिए, उन्होंने अपने राज्य टीम के लिए 300 रन बनाए हैं, 10 साल से वो IPL खेल रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं अब तो, लेकिन फिर भी एक लंबा चौड़ा अच्छा सीजन हमें संजू सैमसन का देखने को नहीं मिलता है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आयरलैंड और श्रीलंका वाले दौरे के अंदर उनको मौके मिलते हैं लेकिन 3 या 4 मैच के अंदर 1.50 आते हैं, उसके बाद 3-4 मैचों में खामोश बैठ जाते हैं, ऐसा आरोप है संजू सैमसन के ऊपर श्रीसंत का। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या मोड़ लेगी ये पूरी कहानी, ऋषभ पंत कब तक वापसी करेंगे, आप वो दक्षिण अफ्रीका वाली सीरीज मानी जा रही है, संजू सैमसन को कब तक भाई इनफ चांसेस मिलेंगे, या फिर संजू सैमसन को ऐसे ही एक नटखट खिलाड़ी बोल के साइड कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो